अगर आप बैंक, रेलवे या फिर सरकारी किसी भी नौकरी की तलाश में उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ITI पास है, तो ऐसे तमाम जो छात्र छात्राएं हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, ऐसे तमाम छात्र छात्राओं को जिसकी आय 1,80,000 से कम है, उसको श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक टूल किट दिया जा रहा है। क्या है इसकी विशेषता और क्या मतलब कैसे ये छात्र उसको ले सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, इस पर विशेष जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी भी हैं। नियोजन सेवा के तहत अभी जो हमारी योजनाएं हैं, दो योजनाएं हैं, टूल किट और स्टडी किट। टूल किट जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ITI पास हों या BSDM से मान के QIP का कोर्स करके जो सर्टिफिकेशन लिए हों, जो भारत सरकार के NSQF फ्रेमवर्क से मतलब वो सर्टिफाइड हों, उन स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी उस टूल किट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें कि जो इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन के मुताबिक वो टूल किट जिसमें जो औजार होंगे या जो इक्विपमेंट होंगे वैसा अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि उसका यूज करके वो डे टू डे मतलब अपना स्वरोजगार कर सकें। और स्टडी किट के लिए क्या है? स्टडी किट में है जो कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि मतलब विभिन्न सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, BPSC, UPSC, इस सबका जो तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक है उस किट में प्रोवाइड की जाएंगी। और इनके लिए एक योग्यता भी है निर्धारित है, जो कि स्टडी किट के लिए है जो एज लिमिट है 18 से 40 साल है, और टूल किट के लिए 18 से 35 साल है, और आय जो होनी चाहिए मतलब 1,80,000 से वार्षिक आय कम होनी चाहिए। और इसमें प्रेफरेंस और ये है, ये योजनाएं जो हैं ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इन सब कैंडिडेट्स के लिए ये योजनाएं हैं। ये जो लाभार्थी हैं वो नियोजनालय में जा आके आवेदन दे सकते हैं, और पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा।